इसराइल हमास युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रुख शुरुआत से ही हमास के प्रति नरम है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि इसराइल हमास युद्ध में आम नागरिकों की हत्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुतिन ने यहां तक कह दिया है कि इसराइल गाजा पर अपने हमले को तुरंत रोके, लेकिन अब ये मामला इससे एक कदम और आगे बढ़ गया है। दरअसल पुतिन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है और उन्होंने गाजा में मानवीय आपदा को रोकने के लिए मदद मांगी है। पुतिन ने नेतन्याहू के सामने इसराइल फिलिस्तीन युद्ध को खत्म कराने के संबंध में कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से मध्यस्थता कराने की पेशकश की है। पुतिन ने नेतन्याहू से कहा, मौजूदा हालातों को लेकर उनकी ईरान, मिस्र, सीरिया और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नेताओं से बात हुई है। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने तुरंत सीजफायर लागू करने की राय व्यक्त की है और गाजा में जरूरतमंदों को तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए तत्काल एक मानवीय रास्ता खोलने की बात पर जोर दिया है। पुतिन ने इसराइल से कहा है कि वो इस बात से गंभीर रूप से चिंतित है कि कहीं ये विवाद एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप न ले ले। हालांकि रूस के राष्ट्रपति भवन का कहना है कि पुतिन ने हमास के हमले में मारे गए 1300 से ज्यादा इजरायलियों के प्रति शोक भी व्यक्त किया है, जिनकी हत्या 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इस्लामी चरमपंथियों ने कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी बातचीत को लेकर इजराइल का भी आधिकारिक बयान आ गया है। इजराइल पीएमओ ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की। प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया कि इजराइल पर क्रूर और घृणित हथियारों द्वारा हमला किया गया था। वो दृढ़ संकल्प और एकजुट होकर युद्ध के लिए गया है और ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट नहीं कर देता। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने पुतिन से बातचीत के दौरान कहा है कि फिलिस्तीनियों को समर्थन देना ईरान की विदेश नीति का हिस्सा था, लेकिन विद्रोही गुटों ने स्वतंत्र रूप से अपने फैसले खुद लिए हैं। और इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का कहना है कि अगर गाजा में इजराइल के अपराध नहीं रुके तो दुनिया में मुसलमानों और विद्रोही ताकतों को कोई रोक नहीं सकता है। आयतुल्ला के बयान से साफ है कि गाजा पर जमीनी हमले को लेकर इजराइल को धमकी दे रहा है।